हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड के बिजनेस स्टडीज़ में जो ब्लूप्रिंट है कि चैप्टर वाइज कितना मार्क्स वेटेज करता है पर चैप्टर। तो ये रहा, अब आप देख लीजिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्लस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट मिला के 16 मार्क्स आता है। अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में से 5-5 मार्क्स का आता है और बिजनेस एनवायरनमेंट से 6 नंबर का आता है। उसके बाद आता है आपका प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये 14 नंबर का आता है, जिसमें से प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों 7-7 नंबर के आते हैं। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, ये 20 नंबर का आता है, जो तीनों चैप्टर 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। इससे आपका टोटल 50 मार्क्स हो जाता है। फिर हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट 15 मार्क्स का आता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 7.5 या फिर 10 और 15 का वेटेज आता है। उसके मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 15 नंबर का आता है, जिसमें से कंज्यूमर प्रोटेक्शन 6 नंबर का आता है और मार्केटिंग मैनेजमेंट 9 नंबर का, और प्रोजेक्ट आपका 20। इस तरह से आपका 50, तो आपका टोटल 100 मार्क्स होता है। इसको आप इजीली स्कोरेबल कर सकते हो। 6 नंबर कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप आराम से उससे पढ़ सकते हैं। कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आप आराम से निकाल सकते हैं, आपके हो गए 35 नंबर, प्लस बिजनेस एनवायरनमेंट 6, तो 41 नंबर आप इजीली पास हो सकते हैं। थैंक यू।